श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम में एक श्लोक है, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, हर पग पग पर मुसीबत। एक घंटे से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग भी किया, और जेसीबी की आवाज़ ने इतना परेशान किया है मुझे कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है किसी भी रूम में। एक यही रूम है जहाँ पे थोड़ी आवाज कम है, तो दूसरे रूम में ट्राई किया और अंत में यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट करने में मेरा 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। तो अभी हम सीधे श्लोक पर आ जाएंगे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 सेकेंड और चैप्टर 9 श्लोक 37 2.9.37। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तो ब्रह्मा को भगवान ने 4 श्लोकों में पूरा ज्ञान दिया श्रीमद्भागवतम का, और अपना दर्शन दिया, अपने धाम का दर्शन दिया, और फिर ये कहा ये श्लोक कि 5वां नंबर श्लोक कि तुम जो मैंने अभी बोला 4 श्लोक में उसका ठीक से पालन करो तो तुम्हें कोई गर्व नहीं विचलित करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और जब प्रलय होता है, दो बार प्रलय होता है, दो बार नहीं, प्रलय बहुत बार होता है। दो प्रकार का प्रलय होता है, एक आंशिक और एक पूर्ण। आंशिक प्रलय में नीचे के जो लोग हैं वो सारे पानी में विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऊपर के लोग रहते हैं। और पूर्ण प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो उन्हें गर्व हो सकता है कि मैं कितना महान हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जीवों को उत्पन्न करता हूँ, उन्हें सब कुछ प्रदान करता हूँ। तो इसलिए वो गर्व ना हो, तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे आदेशों का पालन करो। जब तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम्हें गर्व नहीं होगा। तो ये ब्रह्मा जी को दे रहे हैं भगवान, और हमें भी दे रहे हैं ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको उन्होंने उत्पन्न किया है। हमारे घर में 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनके हम माता पिता बनते हैं, और हमें अहंकार हो जाता है कि मैं सृष्टि करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें पैदा किया है, मैं इनका परवरिश कर रहा हूँ। और ये गर्व के कारण बहुत कुछ होता है, हम बंधन में फंसे रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हें गर्व नहीं होगा यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। तो इस मन को एकाग्र करके, तो इस प्रकार हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान के कृपा से वो सृष्टि करते हैं, और भगवान के कृपा से ही प्रलय के बाद फिर से नई सृष्टि करते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं? हम जो हमारे घर में जो छोटा सा घर होता है, छोटा सा परिवार होता है, उसमें जो 2-4 बच्चे होते हैं, आजकल तो 4 भी नहीं होते हैं, 2 या 1 होते हैं, तो उसको मैंने कैसे उत्पन्न किया है? उसको भी तो भगवान ने ही उत्पन्न किया है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में भगवान हरि इस प्रकार उपदेश दिखे देते हुए दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया, अपना दर्शन, अपने धाम का दर्शन और शिक्षा, और उसके बाद भगवान दिखना बंद हो गया। अंतर्धान होने का मतलब अब भगवान दिख नहीं रहे थे। भगवान जो है ना, वो जब उनको इच्छा होती है तो किसी भक्त को वो दिखाई देते हैं, और जब उनकी इच्छा नहीं होती है तो वहीं पर खड़े खड़े वो गायब हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अंतर्धान होना। तो भगवान फिर दिखना बंद हो गए।
भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले श्री भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार हुआ इसके पूर्व थी। तो ब्रह्मा जी बहुत बार सृष्टि किए हैं। अभी ब्रह्मा जी की उम्र आधी हो गई है, 100 साल की उम्र होती है, 50 साल बीत गया। तो ये जो श्रीमद् भागवतम बोला गया है ये इसी समय का है, ये नहीं है कि ये ब्रह्मा जी जब पहली बार इस दुनिया में आए तब बोला गया है, तब का ये नहीं है, क्योंकि ये अभी लिखा गया है ना, अभी की कथा है ये। द्वापर में जो सुखदेव गोस्वामी आए थे और परीक्षित महाराज को बता रहे थे तभी की बात है। तो इसलिए इस समय सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले थे तब की बात हो रही है इस बार की। तो ब्रह्मा जी इसके पहले भी बहुत सृष्टि कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक और बात है कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाएं विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए थे, वो तो पहली बार था। वो ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा जी हर प्रलय के बाद पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी पैदा हुए और फिर पूरी सृष्टि चलेगी, बार बार प्रलय होगा, आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय, और हर बार सृष्टि होगी। तो हर बार ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे और फिर विष्णु भगवान उसको चलाएंगे और शिव जी उसको फिर नष्ट कर देंगे। तो ये तीनों चीज़, सृष्टि, पालन और विनाश, ये बार बार होता रहता है। तो ऐसे में हमें लगेगा कि फिर ब्रह्मा जी अभी जो तपस्या करने बोले भगवान और ब्रह्मा जी को जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था ये कब की बात है। तो ये देखिए, पहली बार जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तो सच बात है उस समय ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने तपस्या करने बोला, भगवान ने ज्ञान दिया। इस समय फिर से भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के अनुसार कि भगवान उनको भगवान ने के कहने के बाद, भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि किए और जैसी सृष्टि इसके पूर्व किए थे। तो ब्रह्मा जी पहली बार सृष्टि नहीं कर रहे, इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि पहली बार नहीं कर रहे। प्रभुपाद के तात्पर्य में ये लिखा है कि श्री भगवान हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को पूर्ण करने के उपादान है। उपादान यानी मटीरियल। बहिरंगा शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्माएं परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अपने इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। तो हे भगवत भक्त, तुम्हें आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है। जीवा तुम्हारे गुणों के गान के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। हरि भक्ति सुधोदय का दर्श, ये श्लोक है। तो प्रारंभ में जीवात्माओं को इंद्रियां इस हेतु प्रदान की गई थी कि वे उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीति पूर्वक सेवा करें। हमें क्यों इंद्रियां दी गई हैं? शुरू शुरू में जब इंद्रियां दी गई, भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा। किंतु बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के मोह में आकर अपनी सेवा करने लगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने लगा, मोहित हो गया। फलतः ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों के बद्ध कार्यों को सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि सृष्ट ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बद्ध जीवों की पुनः सृष्टि करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार यह ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसकी सृष्टि बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके
ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली जैसे सेवक इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। यह कार्य है का इंद्रिय तुष्टि के दायरे से बद जीवों उद्धार करना। गलत हिंदी है, सेंटेंस गलत है। और इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। देखिए, प्रभुपाद तो बहुत कुछ लिखे हैं और हर परपोर्ट में प्रभुपाद समझाते हैं। ऐसा इसलिए प्रभुपाद करते हैं कि आप कहीं भी कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो आप कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। पर हमें जो समझने वाली बात थी, जो हमारा फ्लो चल रहा है भागवतम का, उसमें इतना समझने वाली बात थी कि भगवान ने कहा कि तुम मेरे आदेशों का पालन करो जिससे तुम्हें फिर से सृष्टि करने में या फिर से बार बार जो प्रलय होगा आंशिक और पूर्ण, तो तुम्हें गर्व नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी कई बार सृष्टि करते हैं, कई बार विनाश होता है, कई बार फिर से वो पुनः सृष्टि करते हैं, ये कार्य होता रहता है। तो भगवान तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की जैसा कि पहले वो कर चुके थे, अर्थात एक सृष्टि के और दूसरे सृष्टि के बीच में जब प्रलय हुआ होगा तब भगवान ये सब की, इस श्लोक से यही पता चलता है। तो एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। कथा हो रही है, एक बार ब्रह्मा जी यम और नियम को धारण किए। यम और नियम यानी डिसिप्लिन, जो जो करना चाहिए वो करना, जो जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में अत्यंत प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय और सौम्यता से पालन करते हैं। इसमें कोई परपोट नहीं है। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। तो नारद मुनि ही प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान की शक्तियों को जानना चाहा, भगवान की शक्तियां, विष्णु भगवान की शक्तियां कितने प्रकार की हैं, कैसे कार्य करती हैं इत्यादि। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उन्होंने भी अपने पिता से विस्तार में यही पूछा। तत्पश्चात पिता ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन शिव भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, कृष्ण ने या विष्णु ने, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भगवान लिखा है, विष्णु है कि कृष्ण है हम नहीं बता सकते हैं। पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण का दर्शन किया है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में बता रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। लेकिन जिन्होंने भी ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करके और नारद मुनि को उन्होंने वैसे का वैसे ज्ञान दिया। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया इस श्लोक के अनुसार, और ये बताया कि श्रीमद् भागवतम सुना दिया जो 10 लक्षणों से युक्त है। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव जी को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ज्ञान कैसे परंपरा से आई है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। भगवान कृष्ण
ज्ञान दिए किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद को। नारद मुनि ने वो ज्ञान दिया व्यास देव जी को, जो ब्रह्मा जो नारद मुनि के शिष्य हैं। ठीक है, अभी तक पुत्र पुत्र चल रहा था, अब हो गया शिष्य। तो परंपरा का ज्ञान यहां बताया गया है। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चार श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, है ना। आठवें अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। आठवां जो अध्याय है, यदि किसी को जानना है कि परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न पूछे, तो वो आठवां अध्याय पढ़ लीजिए। पूरा परीक्षित महाराज के सारे प्रश्न वहां पे है। नवे अध्याय में उत्तर शुरू कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने देना, तो नवे अध्याय में उन्होंने कुछ उत्तर दिए। और अब ये बताया कि ये ज्ञान कैसे आया है ये बता दिया, और कहा कि जो चार श्लोक बताया भगवान ने ब्रह्मा जी को, उसका विस्तार करके मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ। तो अब ये नवा अध्याय समाप्त। दसवां अध्याय, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं। ये टॉपिक अलग है। श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक, भगवान तथा द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो अच्छा होगा कि इस नए टॉपिक को मैं दूसरे एपिसोड में लूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। और ये 16-17 मिनट का क्लास देने के लिए मैंने गवाया है 1.5 घंटा। तो कई बार क्लास दिया और दे दे करके वेस्ट हो गया वो। तो ये है कृष्ण की योजना। हम कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं आज बहुत वीडियो बनाऊंगी, और ये पहला वीडियो है जिसमें इतनी तकलीफ हुई है मुझे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिले कि मेरे वीडियो को कोई देख रहा है। हरी बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।